हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स का ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम लीव पिक्चर पढ़ेंगे, फाइलोट पढ़ेंगे एंड लीव ब्लैडर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलोट्स से। फाइलोट्स आर मॉडिफाइड पिटियोल्स ऑफ लीफ स्टेम। ये किसके मॉडिफाइड है? पिटियोल्स के। वीच आर लीफ लाइक इन अपीयरेंस एंड फंक्शन। इन सम प्लांट्स दीज बिकम फ्लैटेंड एंड वाइडेंड। विल द लीफ इटसेल्फ बिकम्स रिड्यूस्ड और वैनिशेस। ध्यान दीजिएगा, रिड्यूस्ड और वैनिसेस। ऑल टूगेदर दस द फाइलोट कम्स टू सर्व द पर्पज ऑफ द लीफ। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? ऑस्ट्रेलियन एकेशिया। क्या एग्जाम्पल है? ऑस्ट्रेलियन एकेशिया। ये फिगर है, तो चलिए इसके फिगर से समझते हैं। इस भाग को हम क्या कहते हैं? पिट्रियोल कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? लीफलेट्स। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो लीफ है, इसमें से जो लीफलेट्स है ये सेड होने लगता है, झरने लगता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाता है? ऐसे हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। तो ये जो पिट्रियोल है, ये पिट्रियोल है मॉडिफाइड हो जाता है फाइलोट में। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है, देखिए। तो ये पिट्रियोल है क्यों कन्वर्ट हो जाता है फाइलोट में, ये क्वेश्चन है। ताकि ये फोटोसिंथेसिस कर सके। फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए सिंपल है, देखिए फिर से एक बार। ये पिट्रियोल है, ये क्या है? लीफलेट्स है। तो लीफलेट्स जब झरने लगते हैं तो पिट्रियोल क्या करता है? फाइलोट में मॉडिफाइड हो जाता है। देखिए, जब मॉडिफाइड हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है। तो मॉडिफाइड ये क्यों हो जाता है? फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके एग्जाम्पल क्या थे? ऑस्ट्रेलियन एकेशिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लीफ पिचर, देखिए। तो लीफ मॉडिफाइड एज पिचर। इट इज फाउंड इन इंसेक्टिवोरस प्लांट बिकॉज इट हैज नो रूट्स, दस इट्स गेट नाइट्रोजन एंड वाटर फ्रॉम इंसेक्ट्स। देखिए इसको, इसका एग्जाम्पल क्या है? निपथेंसिया इसका एग्जाम्पल है। इसके फिगर हैं। ये जो लीफ पिचर है, ये कैसे क्षेत्र में उगने वाले हैं? ये मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाला एक कीट भक्षी पौधा है। बारहमासी पौधा होता है। ये क्या करता है कि जैसे कि जो नाइट्रोजन की कमी के कारण कीटों को क्या करता है, ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो पिचर प्लांट के जो पत्ते होते हैं ना, वो सुराही की आकार का होता है, जिस पर कीट क्या करते हैं? बैठते हैं। तो कीट जब बैठते हैं तो पत्ता क्या करता है कि वो मुंह बंद कर लेता है। तो मुंह बंद कर लेता है तो जो कीट उस पर बैठे रहते हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं। तो जो अंदर चले जाते हैं तो पिचर प्लांट पौधा जो है, जो कीट में उपस्थित नाइट्रोजन का क्या करता है? वो उपयोग करता है, उसको यूज कर लेता है। तो ये हुआ लीफ पिचर। ये इसके एग्जांपल्स क्या थे? निपथेंसिया। नेक्स्ट हम देखेंगे लीफ ब्लैडर। लीफ ब्लैडर क्या है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीफ मॉडिफाइड एज ब्लैडर टू कैप्चर द इंसेक्ट। इट इज़ फाउंड इन एक्वेटिक इंसेक्टिवोरस प्लांट। एक्वेटिक इंसेक्टिवोरस प्लांट, इसके एग्जांपल क्या है? ब्लैडर ओल्ट। जैसे कि लीफ का कुछ हिस्सा ब्लैडर में क्या हो जाता है? मॉडिफाइड हो जाता है। तो यूट्रिकलेरिया को जो, जैसे यूट्रिकलेरिया को हम क्या कहते हैं? ब्लैडर ओल्ट भी कहते हैं। तो यूट्रिकलेरिया क्या है? एक्वेटिक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। यूट्रिकुलेरिया क्या है? एक्वेटिक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। जो एक्वेटिक इंसेक्टिवोरस माने, जैसे उसी पे क्या करता है? ये फीड करता है। जैसे कि एक्वेटिक इंसेक्टिव आया और ब्लैडर ब्लैडर ओट के अंदर गया। तो जैसे कि ब्लैडर ओट में क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एक्वेटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करेगा? इंसेक्ट को डाइजेस्ट करेगा। कौन इंसेक्ट को डाइजेस्ट करेगा? एक्वेटिक बैक्टीरिया इंसेक्ट को डाइजेस्ट करेगा। तो इंसेक्ट से जो नाइट्रोजन है वो चला जाता है यूट्रिकुलेरिया के पास। तो यूट्रिकुलेरिया भी तो एक्वेटिक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। उसमें भी क्या करता होता है? इन नाइट्रोजन की कमी होता है। तो ये भी इंसेक्टिवोरस, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट से फीड करता है और इंसेक्ट्स से नाइट्रोजन ले लेता है। तो ये हुआ लीफ ब्लैडर। इसके एग्जांपल्स क्या थे? ब्लैडर ओट।
तो फाइलोड्स एंड लीफ फीचर और लीफ ब्लैडर को हमने देखा। तो आज इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।